तो अभी मैं मटन बना रही हूँ यहाँ पे, और इधर दाल चढ़ाई हूँ, तो ये दाल डाल के मटन बनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो ये बनाऊँगी अभी। तो ये मसाला भून जाएगा तब ये दाल मैं इसमें डालूँगी, पानी के अलावा दाल डालूँगी इसमें। दाल मटन बोलते हैं। तो आज मैं ये सब साफ़ सफाई करूँगी, यहाँ पे बहुत तो मकड़े का जाल हो चुका है बहुत सारे, तो इसको ये भी साफ करूँगी। तो ये सब बर्तन उतन उतारना पड़ेगा, पहले खाना बना लूँ उसके बाद मैं ये सब साफ करूँगी। ये देखिए पूरे घर का साफ सफाई करना है मुझे। फैन भी पोछना है, अब तो गर्मी का दिन आ गया, तो ये सब साफ सफाई आज ही करूँगी मैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चली आई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग की घर का काम करने, घर का साफ सफाई करूँगी। अभी मम्मी कपड़े धो रही है और अभी मैं खाना बना लूँगी, खाना बन जाएगा तब जाऊँगी घर का ये सब जाली सब साफ करने। बहुत दिन हो गए घर का जाली साफ नहीं की, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता था काम करते करते, कभी ये कभी वो काम निकल ही जाता है, घर का काम ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है। तो आज ये साफ़ सफाई करूँगी, और मम्मी भी बहुत बोल रही थी तो सब ये सब साफ़ सफाई करूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, मैं जाती हूँ अभी फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर जाऊँगी ये सब साफ़ सफाई करने। तो इसमें वो दाल डाल दी हूँ जो बनाई थी मैं, तो इसमें बॉईल होगा। देखिए मैं अपना घर का हालत क्या की हूँ, ये देखिए। तो ये सब तो साफ हो चुका है, अभी ये सब साफ करूँगी, बर्तन धोना है क्योंकि सब तो धुला धुला हो चुका है, इसको धोऊंगी। सब बिखरा पड़ा हुआ है अभी घर में, जैसे मैं फटाफट ये सब सही लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। तो अभी मैं पूरा घर बिखरा रखी हूँ, अभी ये सब सही दूंगी, कब काम करूँगी। अभी घड़ी में 1:30 बज रहा है, देखिए 1:30 बज रहा है, ये सब अभी सही इतना है। पापे उससे पहले मैं थोड़ा अमरूद खा लेती हूँ।
तो मैं तोड़ के लेके आई हूँ, अभी इसको खाऊंगी नमक मिर्ची डाल के, उसके बाद काम करूँगी। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फाइनली मैं अपना पूरा घर का जाली साफ कर चुकी हूँ, अभी जाऊँगी बर्तन सब धोने। तो ये देखिए सब बर्तन वर्तन इधर भी है, हम तीन आदमी के लिए कितना सारा बर्तन रखा हुआ है, सब बर्तन धोना पड़ेगा। अभी इधर का तो हो चुका है साफ, ये बिस्तर भी लगा दिए, अभी इधर करना बाकी है। ये सब अभी साफ करूंगी। तो दोस्तों मेरा घर का ये सब काम तो अभी बाकी है, इधर करना बाकी, इसी पे बिस्तर लगाऊंगी और बर्तन धोऊंगी। उधर तो पूरा हो चुका है, अब मेरा एलर्जी जैसा हो गया है, मैं ऐसे धूल मिट्टी में रहती तो मुझे एलर्जी हो जाता है, इचिन होता है बहुत, इसलिए मैं भी मुंह धो के आई हूँ, इचिन हो रहा है, जल रहा है। तो खैर आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अभी मैं जाती हूँ, शाम को दवा ला के खाना पड़ेगा, तो अभी मैं जाती हूँ घर का, और भी थोड़ा काम बाकी है ये सब सही। इतना अभी घड़ी में बज रहा है 3, अभी भी घर का काम बाकी है, इसलिए इंसान क्या क्या करे। फिर मम्मी आती है तो फिर बोलती है, फिर सारा दिन क्या करती है, यही करती हूँ मम्मी, देख लो कितना काम करती हूँ मैं।
खराबी में जाती हूँ ये सब साफ सफाई करने। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए। तो मेरा घर का पूरा काम हो चुका है, इधर बिस्तर भी लगा दी हूँ और इधर सब साफ़ सफाई भी कर दी हूँ। अभी बर्तन धोना बाकी है, अभी बर्तन धोऊंगी और इधर घर भी पोछा लगा चुकी हूँ, ये बिस्तर भी हो चुका है और बाहर बहुत तेज़ हवा बह रही है। अभी जाऊंगी बर्तन मांजने, तभी सब कपड़े धोई थी सब उठा के लेके आई हूँ, पर अभी बाद में सब सहेतूंगी। और बेचारी टूनी अभी मेरे साथ हेल्प करेगी सब बर्तन धोने में। तो दोस्तों मैं अभी बर्तन उर्तन धो के आई, टूनी भी मेरी मदद कर दी बर्तन धोने में। और अभी घड़ी में बज रहा है 4:45 बज रहा है, 15 मिनट कम है 5 बजने में और शाम भी होने आई है। काम करते करते सुबह से शाम हो गई लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैं इतना सारा बर्तन धो के आई, अभी ये सब सही इतना बाकी है और कपड़े भी उठा के लेके आई है। नानी आई है, नानी आके खाना वाना खाई और नानी भी मदद कर रही है। अभी ये सब बर्तन लगा के फिर जाऊँगी मैं नहाने। तो चलिए जाते हैं अभी भी सब बर्तन सहित ने। तो इधर मैं और टूनी मिलके सारे बर्तन धो दिए हैं, ये भी धो दिए, इसमें सहितेंगे, गैस उस सब साफ कर दिए। और हमारे घर में बर्तन की कमी नहीं है, 3 आदमी हम लोग रहते हैं और बर्तन देखिए इतने बर्तन में तो भंडारा लग जाए। और ये कपड़े नानी उठा के लाई थी तो वो सही दी है, यहाँ पे अभी बैठी हुई है। अभी मैं जाती हूँ फटाफट नहाने। तो दोस्तों मैं नहा धो के तैयार हो चुकी, अभी जाऊँगी चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा मैगी बना के खाऊँगी। और अभी ये बर्तन सब सहितना बाकी है, इसको सहितूँगी तो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ। आज सुबह चाय पी थी, वही चाय पी के अभी फिर चाय पीऊँगी। पूरे दिन मैंने कुछ खाना वाना खाया नहीं है, पूरे दिन काम करते करते वक्त गुजर गया, मैं खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जाऊँगी खाना चाय बना के चाय पीऊँगी और थोड़ा मैगी खाऊँगी। और अभी तक मम्मी आई नहीं है और शाम भी हो चुकी है। ठीक ही रहो। तो अभी जाऊँगी चाय पीने। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अभी जाती हूँ फटाफट चाय बनाने में। बहुत थक गई हूँ और कोई काम अभी करने को मेरा मन नहीं कर रहा है, इतना थक गई हूँ। तो फिर भी ये सब बर्तन तो सहेजना पड़ेगा मेरे को, तो ये सब बर्तन सहेजूँगी, उसके बाद इसमें गुझा मतलब सहेज दूँगी, उसके बाद जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे, खाना वाना बनाना है वो सब बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अभी मैं जाती हूँ फटाफट चाय बनाने, उसके बाद दिखाता है। तो अभी मैं इधर मैगी बना ली हूँ और इधर चाय बैठाई हूँ। तो अभी मैं सब बर्तन यहाँ पे सहित दी हूँ और इधर मेरा चाय भी बन चुका है। तो और मैगी भी मैं खा ली हूँ, अभी जाऊँगी खाना बनाने, चावल बनाऊँगी। दोस्तों अभी चावल उवल बनाई, अभी जाऊंगी ये बिस्तर करूंगी, वो बिस्तर मैं कर चुकी हूँ, अभी जाऊंगी खाना वाना खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बहुत मेहनत लगा है आज घर साफ करने में। तो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।